ईसीबी ने अपना इकोनॉमिक फोरकास्ट स्लैश किया, जिसके चलते हुए डॉलर में एक तेजी देखने मिली और साथ ही में हमने देखा कि यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा जो काफी हद तक कम आया, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको डॉलर इंडेक्स में फिलहाल देखने मिला। डॉलर इंडेक्स में बहुत शानदार तेजी देखने मिली। फिलहाल आज के दिन की अगर बात करें, यहाँ पे स्लाइट साइडवेज मूवमेंट है, बट ओवरऑल कल के दिन में यहाँ पे बहुत अच्छी खासी तेजी थी, जिसका स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट हमको सेफ हेवन असेट गोल्ड पे देखने मिला। फिलहाल जो है गोल्ड को 1280 का कॉमेक्स मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट है और सिल्वर को $15 का एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक डॉलर और इसमें तेजी बनी रहेगी, मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में एक साइडवेज एक्शन जारी रहेगा। चलिए भारतीय वायदा बाजारों की बात करते हैं। यहाँ पर भी गोल्ड और सिल्वर में मंदी का रुझान जारी है। जो रुपया है काफ़ी दिनों से स्ट्रेंथन हो रहा है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमको गोल्ड के प्राइसेस पे देखने मिला है। पर फिलहाल आज के दिन के लिए मुझे लग रहा है गोल्ड में जो स्लाइट रिकवरी आई है, तो यहाँ पर जो रिस्क टेकर्स है, जो रिस्क टेकर ट्रेडर्स है, यहाँ पर एक बाइंग की पोजिशन बना सकते हैं। लगभग 32,000 के आसपास एक पोजिशन बनाई है, 31,900 का एक स्टॉप लॉस रखिए ऊपर की तरफ, मुझे लग रहा है 32,200-32,300 के टारगेट के लिए। बट ये है एक रिस्क टेकर के लिए, अगर आप रिस्क एवर्स हैं, आपको रिस्क नहीं लेना है, तो फिलहाल ये पोजीशन आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि हम लोग ये जस्ट टेक्निकल पुलबैक के लिए खेल रहे हैं। दूसरा, मैंने आपको एक कल पोजीशन बताई थी कॉपर के ऊपर, कॉपर पे मैंने आपको सेल दिया था, मुझे ये पोजीशन ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है। ट्रेडर्स यहाँ पर पोजीशन को टाइट करते हुए, स्टॉप लॉस को टाइट करते हुए चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कॉपर में एक मंदी 451 के नीचे और वीकनेस आएगी, तो कॉपर में सेलिंग पोजीशन बना के रखिए, स्टॉप लॉस आपका बाइंग पर आपका सेलिंग प्राइस का रखिए, जिसके चलते हुए आपको नुकसान ना हो। आज फिलहाल के लिए और ट्रेडर्स को पोजीशन बनानी है, तो मुझे लग रहा है मेंथा में यहाँ पे पोजीशन बनती हुई दिख रही है। 1625 के आसपास मेंथा ऑयल को बाई कीजिए, 1610 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 1640-45 के टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही मैंने जैसे आपको बताया, कॉपर में आप अपनी पोजीशन को ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए।